हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। फिर से इंडिया टूर ऑफ बांग्लादेश। जैसा कि आपको पता है, इंडियन टीम, क्रिकेट टीम बांग्लादेश जा रही है। 4 दिसंबर को, परसों संडे के दिन, फिर से मैच है। 3 ODI होगा। तो फर्स्ट ODI का मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। ये ODI मैच का है एक्चुअली, है ना। फर्स्ट ODI जो 4 दिसंबर को होगा 2022, ठीक है, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, है ना। और इससे पहले कि मैं बताऊं कि इन दोनों का रिजल्ट क्या है, एक्सीलेंट कितना है, न्यूट्रल कितना है, कट कितना है, जानबूझ के मैंने इस बार लिखा नहीं है, है ना, सो दैट कि आप लोगों को ये पता चलना चाहिए कि कैलकुलेशन जो है इस बार मैं बोलते बोलते लिखूंगा, साथ ही टोटका काम कर जाए हम लोगों का, क्योंकि इंडियन टीम न्यूजीलैंड के साथ इंडिया टूर ऑफ न्यूजीलैंड जो गई थी उसकी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बारिश की वजह से सारा खराब हो गया। देखते हैं, टोटका को अपना कर देखते हैं, शायद कुछ फ़ायदा हो इसका, करके देखते हैं। शायद मेरे ख्याल से पहले लिख देने की वजह से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, तो हो सकता है कि इस बार ना लिखूं मैं, सब कुछ हम लोग को फ़ायदा हो। इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि क्या होगा, आप लोगों को बता दूं कि मेरा ना 8 predictions ऑफलाइन ऑलरेडी सही हो चुका है, 35 predictions ऑनलाइन विद इन 6 months सही हो चुका है, वो भी 100% राधे कृष्ण की कृपा से। इसका मतलब 24 साल से जो मैं न्यूमोलॉजी का नेम परमोटेशन नंबर है ना, नंबर गेम कर रहा हूँ 50,000 लोगों के लिए कर चुका हूँ, वो एकदम सही है। इसलिए आज ही अपना न्यूमोलॉजी कराएं, पूरा न्यूमोलॉजी एनालिसिस रिपोर्ट लीजिए मेरे से, आचार्य जी से, उनके साथ टाइप हो चुका है मेरा। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, है ना, सैदराट के आने वाले दिनों में जितने भी वीडियो मैं बनाने वाला हूँ क्रिकेट से रिलेटेड, न्यूमोलॉजी सब आपको मिलेगा, बैक टू बैक मिलेगा। सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि मैंने 2023 नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लिए कैसा रहेगा, उसके ऊपर मैं 2 वीडियो ऑलरेडी दे चुका हूँ। कल तीसरा वीडियो आ रहा है नंबर 3 के लिए, वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। उसमें जो मैंने टिप्स ट्रैप्स दिया है उसको समझने की कोशिश करिएगा, है ना। अगर कोई डाउट्स हो तो मुझसे उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के पूछ भी सकते हैं आप, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। लेकिन रेलिवेंट क्वेश्चन पूछिएगा जो कि मैं जवाब दे पाऊँ, क्योंकि मेरे को एकदम समय नहीं होता है किसी भी चीज़ की, बड़ा मुश्किल से मैं एक एक वीडियो ही बना पा रहा हूँ। आज पहले मैं 4 वीडियो एक साथ बनाता था दिन भर में, लेकिन अब मेरे पास एक वीडियो बनाने का भी समय बड़ा मुश्किल से मिलता है। रात का भी 10 बज रहा है, 10:30 बज रहा है और मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ। समझ सकते हैं कि कितना हेक्टिक शेड्यूल हो गया है मेरा। तो इंडिया टूर ऑफ बांग्लादेश, इससे पहले कि मैं ये बताऊँ कि न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी क्यों कराना, ये 15 प्रॉब्लम अगर आपके जीवन में, किसी भी 5 प्रॉब्लम भी अगर आपके जीवन में है, तो आज ही आपको न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कराने की जरूरत है। मैं बार बार कर रहा हूँ कि बुरे दिन आने का इंतजार नहीं करिए, अच्छे दिन में सब करा कर रखिए। इसको इन्वेस्टमेंट की तरह लीजिए, जैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं कि बुरा दिन ना आए, कभी किसी मुसीबत में फंस जाए तो वो काम आएगा। इसलिए पहले से ही न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी सारा बाधा ऑब्स्टिकल जान कर रखिए, उसका उपाय करके रखिए, बुरा दिन कभी नहीं आएगा। और एस्ट्रोलॉजी न्यूमोलॉजी कराने की क्यों जरूरत है, जैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा कुछ दिया हुआ है, उसको भी पढ़ सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है, मुझे मैसेज करिए, मुझसे बात करिए, मैसेज छोड़ के, है ना, या तो मैं उसको PDF भेज दूंगा, उसको और आराम से पढ़िए, डिटेल में सब कुछ दिया हुआ है। ये 15 प्रॉब्लम, इसमें से कोई भी 5 प्रॉब्लम अगर आपको जीवन, आज ही आपको कंप्लीट न्यूमोलॉजी एनालिसिस रिपोर्ट लेने की जरूरत है। मैंने तो कम से कम नाम जरूर करेक्ट करा कर रखिए, अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से फ्रेंडली नंबर पर ला कर रखिए, सो दैट कि मैक्सिमम बाधा आपके जीवन से दूर हो जाएगा। ये इसमें सबसे पहले है कि अगर आपका नेम और आपका डेट ऑफ बर्थ का फ्रेंडली नंबर नहीं और एंटी नंबर है, तो डेली इनकम का प्रॉब्लम रहेगा, कॉन्स्टेंट इनकम का प्रॉब्लम रहेगा, बैंक बैलेंस का प्रॉब्लम रहेगा, आपके पास अभी तक फ्लैट नहीं होगा, घर नहीं होगा, गाड़ी नहीं होगा, स्कूटर तक नहीं होगा, हो सकता है लैपटॉप तक ना हो आपके पास, बस में सफ़र करते हो आप, ऑटो पे महीना में कभी एक बार चढ़ते हो, महीने में एक बार रेस्टोरेंट जाते हो, क्योंकि पैसे का अभाव बना हुआ है ना, हायर एजुकेशन लेने का सोच रहे नहीं हो पा रहा है, पैसा ही नहीं जुगाड़ होता है, एंड वक्त पर पैसा कहीं ना कहीं आता भी है, कभी घृत घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना के हिसाब से होता है, खर्च हो जाता है, इधर उधर खर्च हो जाता है। डिजायर्ड करियर, बाय चॉइस करियर चाह रहे हैं लेकिन बाय चांस मिल रहा है, वो भी नहीं हो पा रहा है, बहुत मेहनत लगा रहे हैं फिर भी नहीं हो पा रहा है, 4-4 साल बर्बाद हो जा रहा है, 3-3 साल बर्बाद हो जा रहा है, 6-6 साल बर्बाद हो जा रहा है। डिजायर्ड जॉब, गवर्नमेंट जॉब का सोच रहा है, IAS IPS बनना चाह रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं बाधा आ रहा है ना, मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी नहीं हो पा रहा है, फॉरन एजुकेशन के लिए टिकट रेडी है, आपका पासपोर्ट रेडी है, लेकिन वीज़ा नहीं मिल रहा है, कभी गवर्नमेंट का रूल चेंज हो जाता है, कभी पॉलिसी चेंज हो जाती है। फॉरन जॉब के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम भी कर रहे हैं, आपका लग गया, टिकट आ गया, सब कुछ हो गया, पासपोर्ट भी बन गया, लेकिन वीज़ा नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो गया, कंपनी ने रूल चेंज कर दिया, पॉलिसी चेंज हो गई, फॉरेन सेटलमेंट लीगल इलीगल तरीके से बहुत कोशिश कर रहे हैं फॉरेन सेटल होने का, फिर भी नहीं हो पा रहा, किसी भी कीमत पर नहीं। मैरिज प्रॉब्लम है, फ्रॉड, चीटिंग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ब्रेकअप, डिवोर्स, कैसे सेपरेशन, ये सब एंटी नंबर की वजह से होता है।
वो वीडियो को जरूर देखिएगा जो 2023 का मैं दे रहा हूँ, उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा कि एंटी नंबर्स क्या होता है। इससे भी पहले जो वीडियो बनाया है मैंने, है ना, मेरे यूट्यूब वीडियो पे लाइफ टाइम होल लाइफ के लिए न्यूमरोलॉजी नंबर का बनाया है, वो जरूर देखिएगा। उसमें सब पूरा छिपा हुआ है कि आपका कहाँ पे एंटी नंबर क्या है, आप क्या फ्रेंडली नंबर होना चाहिए। उसके बाद बहुत ज़्यादा कर्ज है, रिकवरी एजेंट आपके पास आ रहा है, बहुत तंग कर रहा है, गाली गलौज दे रहा है, आपका समाज में नाम खराब हो रहा है, बहुत ज़्यादा जॉब चेंजेज हो रहा है, बिजनेस चेंजेज हो रहा है, प्लेस चेंजेज हो रहा है, बार बार फ्रिक्वेंट प्लेस चेंज कर रहे हैं आप, कभी इधर काम करना पड़ा, कभी बॉम्बे भाग रहे हैं, कभी दिल्ली भाग रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, 15 बिजनेस चेंज कर चुके हैं, फिर भी सफलता नहीं मिल रहा है, पैसा डूब रहा है, ये सब एंटी नंबर्स की वजह से होता है। प्रमोशन से इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा, बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत एफर्ट लेते हैं, दिलो जान से काम करते हैं, उसके बाद भी कोई अप्रिसिएशन नहीं, कोई रिकॉग्निशन नहीं। और सीखने से डिजीज पूरे परिवार में बीमारी लगी रहती है, कभी कोई बीमार पड़ता है, कभी कोई बीमार पड़ता है, कभी वाइफ बीमार पड़ती, कभी हस्बैंड बीमार पड़ गया, कभी बच्चा बीमार पड़ गया, कभी मम्मी पापा, कभी भाई बहन, इसलिए पूरे परिवार का न्यूमरोलॉजी करने की जरूरत है। एक बार में नहीं करा सकते हैं, वन बाय वन कराइए। मैं समझ सकता हूँ सब लोग उतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वन बाय वन कराइए, पहले अपना खुद कराइए, वाइफ का कराइए, बच्चों का कराइए, भाई बहन कराइए, माता पिता कराइए, लेकिन कराइए सबका, सो दैट सबका नेम वाइब्रेशन एक जैसा जब गूंजेगा ब्रह्मांड में जाएगा, यूनिवर्स में। ऑकल्ट साइंस का जो रूल मैं बताता हूँ, 8 रूल्स ऑफ ऑकल्ट साइंस, गुप्त विज्ञान, वह है कॉस्मिक एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, उसको पॉजिटिव करना है, उसको अपने अनुकूल करना है और अपने भाग्य को चमकाना है रॉकेट की तरह, इस बात को नहीं बोलना है। अब चलिए बताते हैं कि इंडिया 2-2 पाकिस्तान का जो है रिजल्ट क्या है। यहाँ पे जैसे मेरे पास कॉपी मैंने लिख कर रखा है, आज इंडिया को एक्सीलेंट मिला है 8, है ना, और इसका न्यूट्रल है 9, और कट लग गया है इंडिया को 1, ठीक है, इसका रिजल्ट आया है। इसमें बांग्लादेश को जो फर्स्ट ODI के लिए मैं देख रहा हूँ, जिन्होंने इसमें निकाला है 6-6, है ना, फर्स्ट के लिए 5-12, 5 एक्सीलेंट 5 और न्यूट्रल 12 और कट 1। अगर इस रिजल्ट के बेस पे जाएंगे, दोनों का एक एक कट हो गया, इसका मतलब हो गया मैच ड्रॉ हो जाएगा, कोई जीतेगा नहीं, कोई हारेगा नहीं। लेकिन आप जैसा जानते हैं मैं लूसो ग्रिड बनाता हूँ, लूसो ग्रिड के हिसाब से जाता हूँ, है ना, और उस लूसो ग्रिड और न्यूमरोलॉजी ग्रिड, उस पर रिवर्स ग्रिड, अगर तीनों में से कुछ भी नहीं आता तब मैं बोलता हूँ कि इसमें से कोई जीतेगा नहीं जीतेगा। लेकिन जैसा लग रहा है, न्यूमरोलॉजी ग्रिड भी बनाया मैंने, उसके बाद भी क्लियर नहीं हुआ, रिवर्स में गया उसके बाद भी क्लियर नहीं हुआ, यहाँ ड्रा हो जा रहा है, लेकिन इतना खाली आ रहा है कि ऐसा लग रहा है एक पॉइंट खाली उसमें आ रहा है, जो कि न्यूमरोलॉजी ग्रिड में और रिवर्स ग्रिड में, कि इंडिया अगर कल मतलब 4 तारीख को, 4 दिसंबर को सेकेंड हाफ में बैटिंग करती है तो शायद जीतने का चांस बढ़ जाए, शायद, है ना। रन जो है पहले 25 ओवर में स्लो बनेगा, फिर फास्ट बनेगा, ऐसा है ना, लेकिन जीतने का चांस थोड़ा सा बढ़ सकता है। अदरवाइज अगर किसी भी हाफ में बैटिंग होता है तो फिर दोनों का जीतने का चांस जो है 50-50 ही रहेगा, ज़्यादा नहीं है, ताकि एकदम क्लियर कट नहीं आ रहा है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि जब कट लग जाता है, इक्वल कट लग जाता है, तो फिर ये बताना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि एक्सीलेंट 8 है इनका, इनका एक्सीलेंट 5 है, इनका न्यूट्रल 9 है, इनका न्यूट्रल 12 है, तो दोनों कंपनसेट हो गया, 12-9 = 3, 8-5 = 3, तो ये भी इक्वल हो गया, मतलब दोनों तरफ से सब इक्वल है, तो 50-50% जीतने का चांस है। इसका खाली इतना कर सकते हैं कि सेकंड हाफ में अगर इंडिया बैटिंग करेगी तो हो सकता है कि इंडिया जो भी बांग्लादेश रन बनाएगा फर्स्ट हाफ में, इंडिया उसको आसानी से चेज कर सकती है, हो सकता है कि जीतने का चांस 50% से +10% बढ़ सकता है, बट आई एम नॉट श्योर, क्योंकि दोनों का एकदम इक्वल ये आ गया, स्टेटस आ गया है, इक्वल एकदम ये बन गया है, नंबरिंग बन गया, जिसकी वजह से करना बहुत मुश्किल हो रहा है, न्यूमरोलॉजी ग्रिड भी नहीं बता पा रहे हैं, और आपका रिवर्स जो ग्रिड बनाते हैं हम लोग, रिवर्स न्यूमरोलॉजी करते हैं, वो भी नहीं बता पा रहा है। तो लेकिन बॉलर का दिन जैसे 2022 पूरा बॉलर का दिन है, बहुत अच्छा विकेट गिरेगा, सब कुछ होगा, और रन बनने की 2 संभावना है। अगर बांग्लादेश ने पहले कल बैटिंग की तो हो सकता है ये भी बांग्लादेश भी 175 से 300 रन तक बना सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, इनके लिए भी बहुत 5 नंबर है, बहुत फेवरेबल होता है, वैसे 5-4 एक दूसरे का न्यूट्रल होता है, ज़्यादा अच्छा नहीं है, और 3-4 भी न्यूट्रल ही होता है, इंडिया के लिए भी 3-4 न्यूट्रल ही है, कल 1 तारीख संडे को पड़ गया तो 1-5 जबरदस्त फ्रेंडली होता है, इसलिए बांग्लादेश अगर बैटिंग करता तो हो सकता है अच्छा रन 300 तक रन बना सकता है, फिर उसको इंडिया चेज करती हुई कितना दूर तक जाती है, इसलिए मैंने कहा कि अगर सेकंड हाफ में बैटिंग करेगा तो हो सकता है 50% जो 50-50 अभी है ये सिर्फ 10% बढ़ सकता है, उससे ज़्यादा बढ़ने का चांस नहीं लग रहा है, सिर्फ इंडिया चेज कर सकती, हो सकता है लास्ट ओवर में जाके या सेकंड लास्ट ओवर में जाके ही फैसला हो सकता है, अदरवाइज कहीं भी क्लियर कट अंदेशा नहीं आ रहा है। कंक्लूजन ये है कि 4 दिसंबर को होने वाला फर्स्ट ODI इंडिया वर्सेज बांग्लादेश के बीच में
दोनों का मैच ड्रॉ होने की संभावना ज़्यादा है, और जीतने की संभावना 50-50% है। सिर्फ एक जगह मुझे ऐसा लग रहा है जो न्यूमोलॉजी ग्रिड में आ रहा है, 6 अंक आ रहा है, 6 अंक जिताता है मतलब, तो 10% अगर इंडिया सेकंड हाफ में बैटिंग करे तो हो सकता है कि 10% जीतने का चांस बढ़ जाए, 50+10 60% हो सकता है। और दोनों ही तरफ से दो बैट्समैन को 50-50 बनाएगा, दोनों ही तरफ से बनाएगा, 175 से 300 तक रन गिरने की संभावना है। अगर बांग्लादेश ने पहले बैटिंग तो पक्का बनाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। न्यूमोलॉजी ग्रिड में क्लियर कट आ रहा है, वो अंक आ रहा है 175 से 300 तक रन बन सकता है। अगर इंडिया ने फर्स्ट हाफ में बैटिंग की तो फिर उसका उल्टा भी हो सकता है, करंट 150 से 250 तक ही बने, क्योंकि इंडिया के लिए फर्स्ट हाफ फेवरेबल नहीं लग रहा है, न्यूमोलॉजी ग्रिड के हिसाब से भी, लूसो ग्रिड के हिसाब से भी, और रिवर्स न्यूमोलॉजी ग्रिड के हिसाब से। अदरवाइज क्रिकेट जो है हाईली अनप्रडिक्टेबल गेम है, इंडिया भाग्यवादी टीम है, कुछ भी हो सकता है भाग्य के भरोसे, इसलिए वो भाग्य के भरोसे जब चले जाएंगे तब कुछ भी करना असंभव है। बट जो कंक्लूजन है, 4-12 को दोनों का जीतने की संभावना सिर्फ 50-50% है। इंडिया तभी जीत सकते हैं सेकेंड हाफ में अगर 10% शायद चांस जीतने का बढ़ जाए। बस दिस इज ऑल अबाउट दिस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, फीडबैक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आने वाले दिनों में ढेर सारा क्रिकेट का वीडियो मिलने वाला है आप लोग को, डिफरेंट न्यूमोलॉजी वीडियो मिलने वाला है। 2023 के लिए कैसा रहेगा 1-9 जरूर देखिएगा, आप लोग को बहुत फायदा होगा। आने वाले दिन में उसके हिसाब से काम करिएगा तो आपका बहुत सुखमय जीवन बीतेगा 2023। अब खूब अच्छा तरक्की भी करेंगे, करियर, फाइनेंस, जॉब, एजुकेशन से रिलेटेड। ओके देन, थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद।